पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। पाकिस्तानी सेना के हुए 2 टुकड़े। भारत को हुआ जबरदस्त फायदा। कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान। इस निंदा केस में बुरी तरीके से फंसे। दोस्तों, अभी पाकिस्तान में सियासी बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि अब यहाँ की सेना में दरार पड़ गई है। कई लोग का कहना है कि जो काम भारत में नहीं कर सकता था वो तो खुद इमरान खान कर गए हैं। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इमरान खान की सरकार गिरते ही पाकिस्तानी फौज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इमरान के करीबी और पूर्व मंत्री सरकार गिराने के लिए सीधे सीधे फौज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालात ये हो गई है कि देश और विदेश में मौजूद इमरान खान की पार्टी के सोशल मीडिया से पाक फौज को खुलेआम गालियां दे रहे हैं और अब पाकिस्तानी फौज में बंटवारा सीधा नजर आने लगा है। पाकिस्तानी फौज का एक हिस्सा पूर्व ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के साथ है और उन्हें अगला आर्मी चीफ बनते देखना चाहता है। आपको बता दें कि फैज हामिद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सेना के दूसरे हिस्से पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद का कब्जा है। पाकिस्तान के इतिहास में फौज की जग हसाई जितनी इमरान खान के दौर में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए गए थे। तब फैज हामिद ISI के चीफ थे और वो जनरल बाजवा को बिना बताए अफगानिस्तान चले गए थे। बाद में फैज हामिद ने बताया था वो इमरान खान को बताकर गए थे, जिससे ये साबित होता है कि वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कुछ नहीं समझे थे। आपको ये भी बता दे कि पाकिस्तानी फौज में भारत को लेकर भी एक बड़ा बंटवारा नजर आता है। जनरल बाजवा हमेशा से ही जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद ही खस्ता हालात में है। इमरान खान के दौर में मुल्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। बाजवा जानते हैं कि पाकिस्तान ना तो भारत से कोई जंग अफोर्ड कर सकता है और न ही रोज रोज की गोलीबारी, लेकिन भारत ये दोनों ही चीजें आसानी से अफोर्ड कर सकता है, इसलिए बाजवा ने भारत से दोस्ती और ट्रेड पर जोर दिया है। लेकिन इसके विपरीत जनरल फैज हामिद भारत के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। फैज हामिद के कहने पर ही इमरान खान ने भारत विरोधी सियासत का फॉर्मूला अपनाया था। बहरहाल, आपको बता दे इमरान खान की स्पेशल मीडिया टीम पाक फौज और बाजवा को जमकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी फौज ने भी अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान की सोशल मीडिया टीम पर जबरदस्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में सोशल मीडिया चीन समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी फौज में दरार इतनी बढ़ गई है कि अब जनरल बाजवा को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा है। हाल ही में जनरल बाजवा ने रिटायर्ड फौजी अफसरों के साथ एक मुलाकात की है। इसमें ज्यादातर लोग इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक हैं और फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिमें छेड़े हुए हैं। बाजवा ने इन लोगों से कहा कि हमें इमरान खान को हर सुविधा और मौका दिया, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। तो दोस्तों, क्या इमरान खान के पाकिस्तान सरकार से हटने के बाद भारत और पाक के रिश्ते अच्छे होंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इस निंदा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं इमरान खान की पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को गैर कानूनी बताया है, लेकिन रिपोर्ट है इमरान खान के खिलाफ मौजूदा सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल, शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान मदीना मस्जिद में चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगाए गए, जिसको लेकर सऊदी अरब की तरफ से काफी सख्त प्रतिक्रिया दी गई है और पाक मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने के आरोप में कई पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। वहीं इस्लामी गुरु ने भी मदीना मस्जिद में नारेबाजी को नापाक बताया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में इमरान खान समेत 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहबाज शरीफ की पार्टी PMSN का कहना है कि इमरान खान के इशारे पर ही पाक मस्जिद में इतनी घटिया हरकत की गई है, जिससे सऊदी अरब की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ा है। आपको बता दें कि इमरान खान ने पिछले एक महीने में शहबाज शरीफ समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चोर और गद्दार समेत कई आपत्तिजनक बातें कही है और इमरान खान ने अपने समर्थकों से कई बार आह्वान किया है कि जहां भी ये नेता जाए उन्हें चोर और गद्दार कहा जाए। लिहाजा पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा, पाक मदीना मस्जिद में जो नापाक काम हुआ है उसके पीछे इमरान खान है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी, नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और इसके अलावा 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इमरान खान के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं इसमें उन पर गुंडागर्दी करने और पैगंबर का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये आरोप फैसलाबाद के रहने वाले नईम भट्टी ने दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कराने के लिए 100 से ज्यादा लोगों को सऊदी अरब स्थित पवित्र मदीना मस्जिद में भेजा था, जिन्होंने मस्जिद के अंदर नापाक नारेबाजी की, जिससे मस्जिद को अपवित्र करने की कोशिश की गई और पैगंबर का अपमान किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ
धारा 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो इस निंदा का मुकदमा है। वहीं पीटीआई नेता और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर किया और इस निंदा कानून के तहत पार्टी नेतृत्व के खिलाफ दर्ज मामलों को अवैध करार देने की याचिका लगाई है। पीटीआई नेताओं ने कहा कि ये घटना एक सहज प्रतिक्रिया थी और जनता के गुस्से को दर्शाती है, जबकि सरकार का दावा है कि ये पीटीआई नेतृत्व द्वारा नियोजित और सुनियोजित थे। वहीं उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार अजद खान को पुष्टि की याचिका प्राप्त हो गई है। फवाद की ओर से पीटीआई की कानूनी टीम एडवोकेट फैसल फरीद और उनके एडवोकेट अली बुखारी ने याचिका दायर की है। फवाद चौधरी ने अपनी याचिका में शहबाज शरीफ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और याचिका में फवाद चौधरी ने कहा कि नवनियुक्त गृह मंत्री पीटीआई नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की खुली धमकी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से उन्हें पता चला था कि मौजूदा सरकार ने उन्हें और पीटीआई के अन्य नेताओं को सबक सिखाने का फैसला किया है जो वो जिंदगी भर ना भूले। पाकिस्तान में इस निंदा कानून राजनेताओं के हाथ का एक सबसे धारदार हथियार माना जाता है और जब इमरान खान खुद प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस हथियार से कई विपक्षी नेताओं को हलाल कर दिया था, जबकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार को इस निंदा कानून खत्म करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन इमरान खान ने इस निंदा कानून को खत्म करने के बजाय इसे और धारदार बना दिया। लेकिन अब इसी कानून के जरिए इमरान खान की पर भी कतरने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, रूस के साथ जारी तनाव के बीच नाटो के 20 देश एक साथ दो दो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में टैंक, तोप, मिसाइल, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों के अलावा 18,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नाटो ने अपने सभी कमांड को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और लगातार सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने भी ऐलान किया है कि वे जल्दी नाटो की सदस्यता ले सकते हैं। पोलैंड के सशस्त्र बलों ने एक बयान जारी कर बताया है कि नाटो के सैनिकों की भागीदारी वाला एक सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। पोलैंड ने दावा किया है कि ये नियमित अभ्यास का हिस्सा है जिसका लक्ष्य पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को बेहतर बनाना है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच इस युद्धाभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।